बता चुकी हूँ कि एक नेचुरल पेन किलर है। आपने देखा होगा कि कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं, कभी मूड हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है तो कभी एकदम लो फ्रीक्वेंसी पर चला जाता है, कभी बिना कारण सुखद महसूस होने लगता है तो कभी बिना कारण ही डल फील होने लगता है, यानी कि कभी खुशी कभी गम। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है इम्बेलेंस ऑफ हार्मोन, हमारे हार्मोन्स का असंतुलन। तो हार्मोन को संतुलित करने के लिए क्या किया जाए जिससे कि हमारे नेचर में, हमारे मूड में एक स्टेबिलिटी आए? आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हमारा हैप्पी हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे कि हम लव हार्मोन भी कहते हैं, इसके बिना जीवन नीरस है। और यूं कहें तो धरती पर प्रेम का बहुत महत्व है, बहुत जरूरत है। फिलहाल आज के समय तो बहुत ज्यादा जरूरत है, यूं तो हर समय धरती पर प्रेम की जरूरत रही है, लेकिन अभी जो डिजिटल टाइम आ गया है, जो वर्चुअल टाइम आ गया है, उसको देखते हुए प्रेम की बहुत आवश्यकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव हार्मोन को बैलेंस करेंगे, क्या उसके लिए टेक्निक्स हैं। यूं तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट वो टेम्परेरी टेक्निक्स हैं, जस्ट लाइक कि अपने पेट के साथ खेलना या अपने प्रियजनों के साथ टाइम स्पेंड करना, हग किस, ये सब एक टेम्परेरी टेक्निक है। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो लॉन्ग टर्म परमानेंट टेक्निक है। तो सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, हार्मोन को रिलीज करने के लिए, वो टेक्निक है ध्यान। क्योंकि ध्यान द्वारा जो प्रेम उत्पन्न होता है, वही प्रेम मैच्योर होता है, वही प्रेम अनकंडीशनल होता है। बाकी तो प्रेम ऐसे भी होते हैं कि लोग प्रेम में जान ले लेते हैं, प्रेम में जान दे देते हैं, वो प्रेम का एक विकृत रूप है, क्योंकि वो ध्यान द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। तो जो प्रेम ध्यान द्वारा उत्पन्न होता है वो प्रेम है कि मेरा सुख मुझ में है, मेरा आनंद मुझ में है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। जो एक साधारण प्रेम है वो मेरा सुख, मेरा आनंद किसी दूसरे पर निर्भर है, मेरा सुख बाहर है, इसीलिए कोई दूसरा छोड़ के चला जाएगा तो हम हर्ट हो जाएंगे, बदले की भावना आ जाएगी, दुख में डूब जाएंगे, करियर बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही आम साधारण सा प्रेम है, जो कि जिसे हम कहेंगे एक फिजिकल लेवल वाला प्रेम है, उससे ऊपर वो उठ ही नहीं पाया है। इसलिए ध्यान द्वारा जो प्रेम विकसित होगा उसकी सुगंध दूर तक जाएगी और वो इतना परिवर्तन लाएगा वातावरण में, आपके स्वभाव में, यहाँ तक कि जो भी आपसे मिलेगा वो भी उस समय तक परिवर्तित हो जाएगा जब तक आपके कांटेक्ट में है, क्योंकि आपका जो ध्यान द्वारा प्रेम विकसित हुआ है वो बहुत ही इफेक्टिव है। और ध्यान से तो फिर जो भी गुण उत्पन्न होते हैं वो गुण अतुलनीय होते हैं, अद्वितीय होते हैं, अनुपम होते हैं। इसलिए जब भी समय मिले ध्यान कीजिए, चाहे थोड़ा समय मिले चाहे किसी भी समय, बस आप थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, क्योंकि ध्यान आपका स्वभाव बहुत सुंदर बना देगा और ध्यान आपके हर हार्मोन को बैलेंस कर देगा। अब दूसरी टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ बहुत अच्छी घटनाएं हुई हो उनको याद करिए, उनको याद करके आप रोमांचित हो जाइए, खुशी से भर जाइए
और उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लीजिए। काफी देर तक उस फ्रीक्वेंसी में रहिए और उस फ्रीक्वेंसी के साथ अपना वर्क करिए, आपका हार्मोन रिलीज होने लगेगा। बेसिकली हमारी बॉडी क्या है, बॉडी हमारी केमिकल का एक हाउस है। जो सारी केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू, हमारी ग्लैंड्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सिक्रेट होते हैं। अलग अलग हार्मोन अलग अलग ग्लैंड्स के थ्रू होते हैं, तो और ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं जिससे कि पूरे बॉडी में पहुंचते हैं, और यही हमारा मूड स्टेबल करते हैं, यही हमें स्टेबिलिटी देते हैं, यही हमें हैप्पीनेस देते हैं। और जैसे जब देखा हो आपने कि आप कुछ यानी कि निगेटिव बातें सुनते हो या कुछ आपको जो बहुत मन मुताबिक नहीं हो, अच्छा नहीं हो आपके लिए, आप वहां उस माहौल में रहते हो तो आपको एक स्ट्रेस फील होने लगता है, और वो स्ट्रेस फिर आगे हेडेक भी बन सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है। तो ये क्या, आपने तो बाहर से कोई केमिकल डाला नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये एसिड्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर ही इतने केमिकल्स हैं और वो आपके मूड के अकॉर्डिंग उसी तरह से वर्क करने लगते हैं। अगर आप हैप्पी मूड में होते हैं तो वो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने लगते हैं, और अगर आप सैड मूड में होते हैं तो फिर जो आपके सैड हार्मोन है वो रिलीज होने लगते हैं। इसलिए मैक्सिमम टाइम हैप्पी मूड में रहने की कोशिश कीजिए तो हैप्पी हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है, आप जितना ज्यादा हो सके ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी पावर है कि जो आपकी अच्छाइयों को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा घट रहा है उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देती है। जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़े और कृतज्ञता से भरे हैं, उनके प्रति धन्यवाद से भर जाइए, उस सबको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देंगे तो वही चीज आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएगी, वही आपकी लाइफ में पीस लाएगी, आपकी लाइफ में ब्लिस लाएगी। नेक्स्ट टेक्निक कि आप अपनी फेवरेट चीजों की लिस्ट बना लीजिए। जरूरी नहीं हो कि वो फेवरेट चीजें बहुत बड़ी बड़ी हों, छोटी छोटी फेवरेट चीजों की लिस्ट बना लीजिए और अपने आसपास अपनी पसंदीदा चीजों को रखिए। वो पेंसिल हो सकती है, आपका रुमाल हो सकता है, कोई डायरी हो सकती है, बुक्स हो सकती हैं, और फिर उनको एक प्रेम की ऊर्जा दीजिए। बदले में आपको उन चीजों से भी वही एनर्जी मिलेगी और वो भी आपके हार्मोन को रिलीज करने का काम करेगी। गिफ्ट शेयरिंग भी आपके अंदर एक फील गुड वाला हार्मोन क्रिएट करती है। आप देखिए पहले टाइम में तो क्या होता था कि हम एक दूसरे के घर जाया करते थे त्योहार विश करने के लिए, यानी कि हमारे भारत में तो ये परंपरा ही रही है कि इतने सारे त्योहार हैं, उत्सवों का देश है, हर महीने कई उत्सव मनाए जाते हैं, तो पहले एक दूसरे के घर जाके उपहार दिया करते थे, घर जाके विश करते थे, गिफ्ट्स एक्सचेंज होती थी। लेकिन अब ये फेसबुक व्हाट्सएप का टाइम आ गया है तो अब एक ग्रुप मैसेज डाल दिया जाता है, दिवाली हो या दशहरा हो ग्रुप में विश कर दिया जाता है, उससे भी ये हार्मोन हमारे जो कहें ना कम हो रहे हैं, क्योंकि एक तरह से वर्चुअल लाइफ हो गई है तो हैप्पीनेस भी वर्चुअल हो गई है। आपने देखा होगा कि कभी आप कुछ लोगों से मिलते हैं तो बड़े ड्राई होते हैं, वो बड़े शुष्क होते हैं, एक रिपल्सिव नेचर होता है कि आपको मिलकर उनसे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती है। कुछ लोगों से आप मिलते हैं तो बड़े खुश मिजाज होते हैं, एक हैप्पी फील करा देते हैं और आप में भी एक ऊर्जा की तरंग बहने लगती है। तो ये लोगों की गलती नहीं है, ये हार्मोन्स का डिसबैलेंस है। एक्चुअली जो ड्राई होते हैं उनके अंदर वो हार्मोन बहुत कम मात्रा में बन रहा होता है, और जो खुश मिजाज होते हैं उनमें वो हार्मोन बैलेंस होता है। तो इस तरह से
लोगों की प्रेजेंस भी बदल जाती है अगर हार्मोन बैलेंस हो, अगर हार्मोन प्रॉपर मात्रा में रिलीज हो रहा है तो हमारी प्रेजेंस में बहुत चीयरफुल, बहुत ब्लिसफुल हो जाती है। तो इस तरह से, और हाँ आप नृत्य करके भी इस हार्मोन को रिलीज कर सकते हैं। नृत्य करिए, कोई भी गाना लगा लीजिए, बस डांस करना स्टार्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं है वो सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, कैसे भी करो, झूमो मस्ती में, नाचो गाओ, ग्रुप बना के अंताक्षरी खेलो। कहाँ अब ये सब तो गेम खो ही गए हैं कि अंताक्षरी खेलना, और जो पुराने टाइम में बच्चे खेला करते थे, छुपा छुपी, अनार, पकड़म पार्टी। कभी कभी बच्चे बन जाइए और उस पुराने जमाने में चले जाइए, वो सब गेम खेलने लगी है। और मेन चीज है कि ऐसी कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, या अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए जो निगेटिव बातें करते हो। भले ही वो किसी के बारे में भी बात कर रहे हो, आप उसे नहीं जानते हो, या देश के बारे में बोल रहे हो, किसी नेता के बारे में बोल रहे हो, किसी न्यूज चैनल, सोचेंगे कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो न्यूट्रल होकर सुन रहा हूँ, मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो अनचाहे में, अनजाने ही आपकी एक सोच का हिस्सा बन जाएगा और आपके लिए भी हार्मफुल होगा। आपके हैप्पी हार्मोन को वो ब्लॉक करने की कोशिश करेगा और धीमे धीमे आपका हैप्पी हार्मोन ब्लॉक होने लगेगा। ज्यादातर आप ऐसे लोगों से मिलिए जो पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअल हो, एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी बना लीजिए और मिलिए, वहां ध्यान कीजिए, अपने हैप्पी हार्मोन को बैलेंस कीजिए, इंक्रीज कीजिए। और इसके लिए मैं आपको डाइट बताऊंगी। तो डाइट आपको यूं तो प्रेम से बनाया हुआ भोजन और प्रेम से खाया हुआ भोजन आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बैलेंस करेगा, लेकिन इसके साथ साथ भी आप वो चीजें लीजिए जिनमें मैग्नीशियम हो, जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए, केला है, अंजीर है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स लीजिए, ऑरेंज जूस पीजिए, कॉफी भी इस हार्मोन को रिलीज करती है, डार्क चॉकलेट भी इस हार्मोन को रिलीज करती है, और अगर आप एग खाते हैं तो एग खाइए, और आप विटामिन डी वाले फ्रूट्स, विटामिन डी तो मैक्सिमम धूप से ही मिलता है, धूप में बैठिए, विटामिन डी भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, इन सब का अपनी डाइट में यूज कीजिए और साथ में सब टेक्निक्स अपनाइए तो आपका हार्मोन, सिर्फ ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं और भी सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। थैंक यू। दर्शना जी, हाँ जी, थैंक यू, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हार्मोन्स को कैसे रिलीज करते हैं और थैंक यू, कैसे थैंक यू, बहुत आगे बढ़ना चाहिए। आप बता रहे थे कि हमें कैसे अपने हैप्पी हार्मोन्स को बैलेंस करना है, तो मैं साथ साथ पुरानी यादों में खो भी रही थी कि अच्छा हाँ हम भी ऐसे खेलते थे, अभी भी खैर मौका मिले तो खेलते तो हम अभी भी हैं, डैम शराज कोई गेम नहीं छोड़ती मुझे बहुत शौक है खेलने का, ताकि एंजॉय करो यार लाइफ में, जहाँ चार लोग इकट्ठे होते हैं अपना करते हैं। छोटे छोटे सेलिब्रेशन करना वो भी बहुत जी बेनिफिशियल होता है। वेलकम जी थैंक यू मैम, थैंक यू। यू, जब लोग भूल चुके वापस आ जाए, अपने बैलेंस करना है हमें भी अपने हार्मोन्स को, तो खुश रहें जीने और औरों को भी आगे बढ़ाएं, वो भी खुश हो, खुद भी खुश हो औरों को भी खुश रखें, उनको कोई अगर सैड मूड में है तो उन्हें बाहर निकाले, ये थैंक भी पुण्य का काम है। यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत। मैसेज दिया आज आपने, ये बात आपने एक आज मन को लगी कि आपने ठीक बोला कि हम पहले तैयार होके एक दूसरे के घर दिवाली हो जाते थे, एक अलग खुशी महसूस होती थी, बट आज आपने ठीक कहा कि हम अंदर ही हो गए अब सब,
ये सच्चाई है, ठीक है, इसमें भी खुशी है, बट वो एक लग था कि हम एक उत्साह सा, मतलब उत्सव मनाते थे कि ये आज है, तो अलग एक थी कि हम तैयार हो या एक दूसरे के घर जाएं वक्त के अनुसार, मतलब बहुत अच्छा कहा आपने, गुड मैसेज। यस फ्रेंड्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या अपना कोई और पॉइंट जो उनको समझ में आ रहा बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ग्रेटिट्यूड ही देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा करवाया, मैं तो पूरा ध्यान से अब निकली हूँ, वो भी थैंक यू बोलने के लिए। अच्छा, इतना ध्यान में आ गए कि बहुत ध्यान नहीं बहुत। दो भैनां है, सिंगिंग बाउल बोलते हैं, उन्हें छोटा जा मैसेज दिता कि हारमोन्स खुशी का पे तुसी अगे किस दे घर, अजकल व्हाट्सएप पे लोग वो कर देंगे। ये इसको अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज कर लें। अगर किसी को कुछ कहना है तो नहीं, अभी तो ध्यान नहीं है क्या तुम? सब लोग ध्यान में डूब गए हैं रिलीज करने के लिए। वास्तव में मैं अभी निकलती नहीं बाहर, बाहर बेल बजी तो मैं उठी एकदम, और इतनी उसमें डीप थी ध्यान में कि चलो खैर तब खत्म हो ही गया था बिल्कुल। मुझे लगता है किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है अभी। यस सॉरी, प्रदीप जी का हैंड रेज है। यस प्रदीप जी, एक्सपीरियंस तो मतलब ये कि शांति बड़ी मिली, और जैसे अपने बॉडी के हर अंग से जिससे मैडम ने बोला हम जुड़ पाए, है ना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी हमको कहीं पेन होता है बॉडी में, है ना, तो फिर उसको हम कैसे हील कर सकते हैं? दवाई तो हम लेते नहीं है कि चलो ध्यान में आ गया दवाई तो खानी है, तब हम उसको ग्रेटिट्यूड करें, ये लव सेंड करें, कैसे हील करें कभी कभी कहीं अगर पेन है तो? देखिए बेसिकली तो हमें पहले एक रीजन चाहिए होता है खुश रह होने के लिए, क्योंकि अगर आप विदाउट एनी रीजन सिर्फ एफर्मेशन देंगी कि मेरी बॉडी से वो पेन चला गया है, तो वही जो मैंने आज ध्यान में करवाया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग नहीं होगी, उस तक वो मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो फिर वो आपका मैसेज सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक ही होकर रह जाएगा, कॉन्शियस माइंड होकर रह जाएगा तो फिर उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपने कॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करना होता है लॉजिकली कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये दर्द मेरी बॉडी से चला गया है। आप उसको समझा दीजिए अच्छे से तो वो आपका मैसेज अनकॉन्शियस माइंड तक चला जाएगा, और एक बार अनकॉन्शियस माइंड तक चला गया तो आपका वो पेन भी रिमूव हो जाएगा। उसके लिए जैसे फिर हम ध्यान में बैठें और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलें कि कैसे, मतलब जैसे आपने करवाया इस तरह से ध्यान में बैठकर करें या लिखें कुछ ऐसा? जब आप ध्यान में बैठें तो आप पहले अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लीजिए, अपने वातावरण को शांत कर लीजिए, फिर आप एफर्मेशन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बार बार आप एक ही एफर्मेशन करेंगे पूरी शांति से भरकर, तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको बाईपास करके सीधा वो आपके मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। और अगर हैप्पी हार्मोन्स हैं तो फिर तो कोई दर्द वगैरह आने की वो है ही नहीं है कि हैप्पी हार्मोन्स। एक्चुअली अब लाइफ स्टाइल भी ऐसी हो गई है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं उनका क्रिएशन भी बहुत कम हो गया है, जो प्रोड्यूस होते हैं
बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए आजकल इतना स्ट्रेस है और लोग इतनी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतनी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो पहले के ना कितना बच्चों को हम लोग कितना कुछ कह देते थे, उन्हें बुरा नहीं लगता था। आजकल बच्चे कितने सेंसिटिव हो गए हैं, आप जरा सा कुछ बोलिए और वो हर्ट हो जाते हैं। सही बात है, हमको तो अभी तक का हमारे पेरेंट्स से डर लगता है, लेकिन आजकल के बच्चे बोल ही नहीं सकते हैं। और वही मैं अपने पेपर को बोल रही थी, हम छोटे होते थे ना तो में कहावत थी, दो पहिया विसर गई सदके मेरी ढूई थी, मतलब डांट देते दो फिर वैसे। और अभी तो बच्चों को बोल दे मतलब मारना तो भूल ही गए, बोल भी नहीं सकते बोलो तो वही सेंसिटिविटी बहुत है। तो शायद पहले हम खुश भी इसलिए रहते थे ना कि हाँ। हमारे में हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा थे, तो थोड़ा सा भी किसी ने डांट दिया मार दिया चाचे ताए भी होती थी, कभी भी कोई भी आगे करता था हक जमा था। एक मैं एक बात कहना चाह रही थी, ऐसे हम बात करते हैं जैसे जब हम छोटे थे तब माँ बाप की बात सुनने की टाइम था ना, माँ बाप की बात सुननी है, अब हम बड़े हो तो बच्चों की बात सुनने का टाइम। प्रदीप जी अपने आपको अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा था मैंने म्यूट करा, ठीक यस। हाँ तो जो हम लोगों की जनरेशन है ना, जैसे हम सब लोग हैं, हम तो बीच में ही रह गए ना, माँ बाप ने हमारी सुनी ना बच्चे सुनते हम सबसे अच्छी वाली पीढ़ी हैं, हम हैप्पी हार्मोन्स वाले सबसे अच्छे हैं और अभी अपने आप पे काम भी कर रहे हैं। यस बिल्कुल, हमें तो चेंज करना था ना अपने आप को, इसलिए हमारे साथ ऐसे हो रहा है, बच्चे भी सिखा रहे हैं, बड़ों ने भी सिखाया हमें। मिडिल पास टीचर बोलते हैं बड़ों का भी सुना छोटों का भी सुनते हैं, वही ना हमारी ग्रोथ जल्दी होगी उल्टा। हाँ क्योंकि हमारी आत्मा की ग्रोथ कर दिया अपने आत्मा को, वो ऑटोमेटिक होती जाए। बहुत बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है इस ग्रुप में ना, हर बार कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, और आज का भी बहुत अच्छा था, काम करेंगे इसमें। थैंक यू ग्रेटिट्यूड लव यू सबका, सारे ग्रुप मेंबर्स का। हाँ थैंक यू प्रदीप जी, प्रदीप जी आपका भी बहुत लव यू, आपको भी बहुत लव यू, आपको बड़ा याद करते हैं हम, गुरु याद करते सच में गुरु गोविंद सिंह जी के लिए वो याद करते हैं। थैंक यू दर्शना जी, थैंक यू सबका, थैंक यू यस थैंक यू। अब एक अंजलि जी का भी हैंड रेज है, यस अंजलि जी। हाँ जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, तो क्या उससे भी जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं उसे भी हम किसी तरह बैलेंस कर सकते हैं, जैसे जो हमारे मेमोरी के लिए काम आती है, मेमोरी जैसे हमें लगता है ना कई बार कि हम बातें बहुत भूलने लगे हैं, इस टाइप से कुछ इसके लिए हम कुछ काम कर सकते हैं? दर्शना जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं अभी हुआ नहीं, अनम्यूट हुई नहीं अभी आप, ठीक। तो उसके लिए आप पीनियल ग्लैंड का मेडिटेशन कर सकते हैं, ये जो हमारे आज्ञा चक्र पर हम ध्यान करके मेडिटेशन करते हैं ये एक तरह से पीनियल ग्लैंड का ही मेडिटेशन है। उसके लिए आप आंख बंद करके बैठिए और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाइए और वहां पर आप दो कलियों का लोटस विजुलाइज कीजिए पर्पल कलर का, और अपना ध्यान पूरा वहां लगाकर छम मंत्र बोलिए और उसके पहले रिलैक्सेशन के लिए धा तीन बार उच्चारण कीजिए और फिर बार हाँ धा धा रिलैक्सेशन के लिए होता है, और फिर जो इसका बीज मंत्र होता है वो बीज मंत्र आपको और भी आपके भीतर इफेक्टिव चेंज लाएगा। तो इस तरह से ध्यान करके उसका रंग उसका बीज मंत्र उसका रिलैक्सेशन मंत्र यूज करके आप वो मेडिटेशन कर सकती हैं, तो वो आप मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आपने आज समझाया।
वो मंत्र फिर से बता दीजिए कौन एक कौन बार और क्लियर करिए प्लीज। हाँ गुड, मंत्र लिख भी ले, जो लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लें। हाँ जी, आपको 3 बार धा का उच्चारण करना है जो हमारे संगीत का स्वर है। 3 बार जब हम धा बोलेंगे तो वो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, हमारा आज्ञा चक्र है, वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद हम जो इसका बीज मंत्र है, यूं तो लोग बीज मंत्र इसका ओम बोलते हैं, लेकिन इसका एक जो काफी प्राचीन बौद्धिक परंपरा का बीज मंत्र है वो छम है, जिसे तिब्बती बौद्ध परंपरा में वहां के जो भिक्षु हैं वो इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। तो 3 बार छम बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए और वहां पर ध्यान लगाइए, 2 कलियों का एक लोटस फ्लावर खिल रहा है पर्पल कलर का, तो वो आपको बहुत शांति देगा और आपकी मेमोरी भी इंक्रीज करेगा। यहाँ तक कि आपको इंट्यूशंस भी होने लगेंगे। जब आपको करते करते बहुत समय हो जाएगा ये ध्यान, तो आप देखने लगोगे कि क्या होने वाला है, और आप जैसे किसी से मिलोगे तो उसके मन में आपके लिए क्या है आप वो भी अंडरस्टैंड कर लोगे। वेरी गुड। इसे कितनी बार करना चाहिए? इसे आप तो रोज 15 मिनट कीजिए। 3 बार धा बोलना है, फिर छम का उच्चारण करना है, और उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जाना है मैम। हाँ, उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जाना है। धा को कैसे बोलना है, मतलब अपने धा यूं बोलना है, कैसे बोलना है? हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा कर जी धा के बाद जितनी देर तक आप थॉटलेस होकर ध्यान लगा सकते हैं उतनी देर बैठकर अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। बस ध्यान लगाकर समर्पित करके उसको आंखें खोल दीजिए। बहुत एनर्जी फील हुई अभी, बस अभी आपके साथ इतना टाइम में बहुत एनर्जी फील हुई। थैंक यू वेरी मच। आप ही किसी दिन आगे यही वाला मेडिटेशन करवाइए मैम एक बार हमें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कराइए, मैं करवाऊंगी आपको। बिल्कुल, हम भी करना चाहेंगे। अभी वहां से हम करके आते हैं ना, जैसे आप ऋषिकेश के प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद किसी दिन जब आपके पास टाइम हो तो करा लेंगे दर्शन। ठीक है जी, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनुराधा जी का भी मैसेज चैट में आया था कि बहुत एनर्जी से बोला नहीं जा रहा। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? दीदी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे को ना यहाँ पे ना ऐसे रुद्राक्ष की माला का राउंड 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 हो रहा था आज। एनर्जी अपने वीडियो ऑन किया है? हाँ जी दीदी। अच्छा, नीरू बोल रही हूँ। आपकी आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है बट दिखाई नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि आज लैपटॉप से नहीं शायद ही हो रहा होगा। अच्छा, तो कहाँ, माथे के पास? नहीं, सिर के ऊपर सेंटर में ना रुद्राक्ष की माला लपेटी जा रहे हैं, लपेटी जा रहे हैं, ये नहीं मालूम आप कैसे राउंड राउंड घूम रही है रुद्राक्ष की माला। वो एक्चुअली ये जो मेडिटेशन था वो
सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने का था, तो वो एक तरह से जो एक थॉट्स की कड़ियां आपके अंदर बनी हुई है, जैसे कहेंगे ना कि जैसे कॉम्प्लिकेटेड, तो वो सारी खुल रही थी, क्योंकि एफर्मेशन के थ्रू हम हर मैसेज अपने अवचेतन मन तक भेज रहे थे, तो वो आपको एक सिग्निफिकेंट रूम में रुद्राक्ष की माला दिखी पूरे राउंड ऊपर ना, यहाँ पर सिर के अंदर ना गोल 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 ऐसे लपेटे जा रहे थे, पूरी राउंड राउंड थी एकदम। हाँ, तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि आपके जो अफर्मेशंस हैं, आपके जो मैसेज हैं, वो आपके अवचेतन मन तक जा रहे थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक आज नंबर भी दिखाई दिया, 7 नंबर भी दिखाई दिया, बड़ा क्लियर लास्ट में। अच्छा, 7 नंबर तो लकी नंबर होता है। हाँ जी, वो दिखा बड़ा क्लियर 7 लास्ट में, जब हथेली हाथ रखते हैं तो, और बुद्धा जी के तो बहुत क्लियर दर्शन हुए आज। बुद्धा जी मेरी बैकग्राउंड में भी हैं। हाँ, मैं एक्चुअली मैं अभी आप जो चीज बोल रही थी ना, तो मेरे मन में आ रहा था मैं बोलूंगा कि जैसे तिब्बत की ये जो आपने अभी कराया ध, तो आजकल मैं सिंगिंग बाउल बजाती तो वही मेरे को आवाज आज कानों में लग रही है, वही अभी अभी भी चल रही है, वही अभी भी, अभी भी। हाँ, ऐसा होता है एंजुरी, सही कह रहे हो आप, वो गूंज रह जाती है, चल रही है वो इधर, वही आवाज चम, क्योंकि जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम का, दैट इज डिफरेंट, बट आज जो मैंने नोट करा है ये ध, दैट इज सिंगिंग बाउल्स रेज जैसे आ रही है मेरे अभी भी, अभी भी, अभी भी। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू। आपके पीछे जो बुद्धा जी है ना, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इस पर मैं भी दीदी डलहौजी से लेके आई हूँ ये सब चीजें, तिब्बत वहां से, अरे वाह, सभी लेके, और वाकई में बहुत लगता है इनको देखती ही रहूं, सर मैं फ्रंट पे ही रखे, लगता है देखती ही चली जाऊं, देखती ही चली जाऊं, समा जाऊं जैसे ऐसे अंदर से आ रहा है, वहां कनेक्शन है ना कोई, फिर बता नहीं, पिला रहा है तो। हां हां बिल्कुल, सबको लव यू, लव यू, सबको लव यू, सच में लव यू ऑल, लव यू ऑल, डिवाइन मास्टर्स, सब आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। हां बहुत, ये प्यार सबको बांटते चले, थैंक यू दीदी, आप बूते लगा के आओ हमारे नाम के भी खूब लगाना वहाँ। हाँ जी जरूर, हैव अ नाइस जर्नी, टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, लव यू, थैंक्स, थैंक यू। अब 3 दिन जो रहेगा हमारा 18th, 19th और 20th, हमारे होगा वही लाइव, यहाँ भी करेंगे, आपके साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक, थैंक यू दर्शना जी, इतना सुंदर सेशन करने के लिए, दोनों मेडिटेशन फुल ऑफ एनर्जी और हैप्पी हार्मोन्स का मुझे असर अभी दिखने लग गया सबके ऊपर, बहुत अच्छा रहा है दोनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दर्शना, थैंक यू सो मच, अरे कविता जी आ गई, थैंक यू कविता जी, थैंक यू लीना जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दर्शना जी, थैंक यू, थैंक यू, आज आज हमारे सम्या जी का बर्थडे भी है। ओहो, बहुत कंग्रेचुलेशन सम्या, हैप्पी बर्थडे सम्या जी को, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हजारों साल के दिन, 50,000 दिन हो, लव यू, लव यू, कंग्रेचुलेशन, हाँ जी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैंने एक सॉन्ग सीखा हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग में, गाते हैं जब किसी का बर्थडे होता है तो,
सागर में लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, मुबारक जान की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ जान की, तुमको जाकर मिल जाना, तुम हो सुंदर फूल इस संसार की। बाय।